2024 को जो हेरिटेज खादिम्स की नुमाया जमात है रिप्रेजेंटेटिव बॉडी अंजुमन सैयद आतगान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, जो विष्णु गुप्ता हिंदू सेना के अध्यक्ष ने ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह में ये कहा है कि यह महादेव का मंदिर है और जिस किताब का हवाला दिया हरबिलास शारदा की किताब का, तो उनका एक 1921 के एक सिविल सूट का एक फैसला है, वो फैसला भी आप सुन लीजिए। वो है सिविल सूट नंबर 251/1915 का। वो खादिम्स के लिए और रिचुअल्स के लिए क्या कह रहे हैं कि द खादिम्स ऑफ द दरगार हेरिटरी खादिम्स, यानी कि वंशानुगत खादिम्स हैं, नॉट इन द सेंस ऑफ हाउस होल्ड सर्वेंट, दे परफॉर्म प्रिस्टली फंक्शन, मतलब पंडों का काम करते हैं मेहमानों को ज़ियारत कराने का। देयर कनेक्शन विद द श्राइन इज नॉट ओनली एंशियंट बट इंटीमेट, हमारा ताल्लुक सिर्फ कदीमी नहीं है सदियों का बल्कि एक करीबी ताल्लुक भी है। दे इंट्रोड्यूस पिलग्रिम्स, ज़ायरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं टू द श्राइन, मजार अकदस में ज़ायरीन को इंट्रोड्यूस करते हैं। देयर बिजनेस कीप्स देम अटैच्ड टू द दरगाह, और वो दरगाह से हमेशा जुड़े रहते हैं, और दे लुक टू द कम्फर्ट ऑफ द पिलग्रिम्स दे इंट्रोड्यूस बाय इनसाइड द दरगाह, और वो ज़ायरीन के पिलग्रिम्स का भी ख्याल रखते हैं। इसमें कहीं भी उन्होंने इस किस्म की बात नहीं की है, 1915 का है। जिस किताब की बात कर रहा है वो 1910 की है, उसके पहले बहुत सारी किताबें लिखी गई। यहां तकरीबन कोई 8 मुतवली राय 1947 के पहले ये तौलियत थी, जो आज नाजिम का रोल है वो मुतवली किया करते थे, उसमें 8 हिंदूज राय, किसी ने कभी ये नहीं कहा। और 200 साल तक मराठों की हुकूमत रही, बड़े सख्त मिजाज थे मराठे, किसी ने हिंदू को होने का नहीं कहा। कटेरे वगैरह चांदी के हिंदू राजाओं ने लगाए, बहुत सारी नजूरात हिंदू राजाओं ने की। और ये जो कहते हैं ना मुगल फरान, मुगलों के जमाने में दरगाह बनी, मुगल तो 1536 में आए भाई, ये दरगाह ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती तो 1192 AD में आए थे। वो मिस कोट किया जा रहा है कि 95 में आए, सेकंड बैटल ऑफ तराइन के वक्त आए थे। और ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह वही मजार है जहां आपका हुजरा था। और ये जो लोग कहते हैं कि मंदिर के वहां झरने होते पहाड़ होते, तो वो झरना है झरना नहीं पहाड़ है। और जितने भी सूफी आते हैं, सूफी होते हैं, संत होते हैं, वो पहाड़ों में और जंगलों में जाके रहते हैं। पानी का एक कुआ होता है, तालाब होता है, झरना, वहां जाके रहते हैं। जितने भी सूफी है तमाम दरगाह उठा के देख लें आप, हाजी अली की दरगाह समंदर के अंदर है, साबिरबाद की दरगाह ले ले करिए रुड़की में, गंगा बह रही है वहां से। तो आप ये कहना कि वो झरना है तो मंदिर होगा, होली मक्का में जमजम है पानी है जो जमीन से फूटता है पानी, तो पानी से धर्म का मजहब का ताल्लुक रहा है, ये सब झूठी बात है। और दूसरी बात ये, इतने राजा रहे महाराजा रहे, मुगल काल के भी 400 साल के पहले की बनी हुई दरगाह है। एक क्रिमिनल आदमी जिसकी हमने 1 अक्टूबर 2024 को SP साहिबा को एक रिपोर्ट दी, उसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज बताई, 2 साल से वो तड़ी पार रहा दिल्ली में, आप उसको एंटरटेन कर रहे हैं। जबकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक्सक्लूसिवली ये बात कहता है कि जो भी सिर्फ बाबरी मस्जिद को छोड़ के जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति की हो, मस्जिद हो, दरगाह हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ भी हो, उसकी स्थिति वही रहेगी जो 1947 के पहले जो स्टेटस को था। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर हुए क्या नाम था चंद्रचूड, उन्होंने ये गलती की कि मथुरा और काशी वाले मामले को उसको ये एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था, उन्होंने पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब आए दिन की ये चीजें होगी। सब में बड़ी बात यह है कि ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह कम्युनल हारमनी का, सांप्रदायिक सौहार्द का, डायवर्सिटी का, यूनिटी एंड डायवर्सिटी हम चैप्टर पढ़ते हैं स्कूल्स में, टेक्स्ट बुक्स में होता है, कम्युनल हारमनी का, प्लूरलिज्म का प्रतीक है, जिसकी की कॉन्स्टिट्यूशन कसम खाता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर इम्प्लीमेंट होते हुए देखते हो तो आप सूफियों की दरगाह पे देखते हो। हमारे दो देगों में जो अकबर आजम और जागीर की देग है वहां मीठा ज्यादा बढ़ता है, प्याज लहसुन भी यूज नहीं होते। और इन्होंने जो है गवर्नमेंट पार्टीज को वो दिए नोटिफिकेशन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, जबकि ASI का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज में आती है और दरगाह कमेटी भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज में आती है, और तीनों विंग जो है गवर्नमेंट के हैं। और दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट 1955 इनेक्ट हुआ, 1949 में जस्टिस गुलाम हसन जो सिटिंग जज थे उन्होंने रिपोर्ट पेश की, उस इंक्वायरी के आधार पर ही आया। 2002 में JPC पर औकाफ बना जिसमें संत प्रिय गौतम चेयरमैन थे, बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी थे, जिसको कि मैं अटेंड करके आया था, उस वक्त
उस वक्त भी मैं अंजुमन का सेक्रेटरी था कि मेरे साथ प्रेसिडेंट थे, कलीमुद्दीन साहब भी वाइस प्रेसिडेंट थे, असम मोहित साहब हमारे ये नायब सदर रहे अंजुमन के, उस वक्त भी हम बहस करके आए थे। जेपीसी की फंडिंग्स में गई नहीं है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की। एक आदमी कहीं से उठ के आता है पूरे देश का माहौल खराब कर रखा है, जैसा कि संभल में हुआ। 1:30 बजे कोई एप्लीकेशन देता है, 3:30 बजे एप्लीकेशन मंजूर, कमीशन अपॉइंट, शाम को कमीशन आ जाता है, सर्वे करता है, पीसफुली सब कुछ हो जाता है। 3 दिन बाद वो आते हैं और फिर वो नारे लगाते हुए आते हैं, किस तरह के मामला होते हैं, गोलियां चलती हैं। भाई हम नहीं चाहते कि देश का सांप्रदायिक स्वार्थ बिगड़े। और एक बात और, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है इस्लाम का बड़े सगीर में सब कॉन्टिनेंट में, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक सब में बड़ा मरकज है। और देखिए इन्होंने नोटिस दिए, सब में पहले स्टेक होल्डर्स दरगाह के हेडली खादिम थे जो कि गद्दी नशीन है वाकई में, लेकिन ये हमारी ह्यूमिलिटी है, इनकी सारी है, हम अपने आप को खादिम कहते हैं, हर के खिदमत करके उमा तुम चुन जारू कच कहते हैं, खाक नशीन कहते हैं, आस्थाने अगस्त को हम खोलते बंद करते हैं, चाबियां सदियों से हमारे पास है, जायरीन को सिर्फ हम ज़ियारत कर आते हैं, जो श्रद्धालु आते हैं उनको दर्शन हम कराते हैं, चाहे वो आम आदमी हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, बादशाह हो। मुगल बादशाहों ने हमें तलामीन दिए, जागीर दी, दुआ हम करते हैं 365 डेज 24x7 साल के 65 दिन 24 घंटे रिचुअल्स हम परफॉर्म करते हैं। ये आध्यात्मिक जगह है, ये मजहबी जगह है, तो ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार नहीं है कि कोई भी आया और दे दिया। ये मजहबी जगह है भाई, यहाँ पे करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी मजहब व मिल्लत के हों, और बिलखुसूस ये एक इस्लामिक मरकज है। अब इस तरह की चीजें तो मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा? कभी आप बुलडोज करते हो घर, कभी आप मॉब लिंचिंग करते हो, कभी आप कहते हो उनके कपड़ों से पहचानो, कभी कहते हो बटोगे तो कटेगे। क्या प्राइम मिनिस्टर को ये बातें जेब लेती है? प्राइम मिनिस्टर हम सबके 140 करोड़ जनता के, हम भी 30 करोड़ है भाई, ये कब तक सब बातें होगी? कभी मॉब लिंचिंग कर देते हो, कभी सीए लेकर आ जाते हो, नागरिकता छीनने की बात करते हो, कभी वक्त ले जाते हो, वक्त या हमारी जागीरें छीनने की बात करते हो, ये कौन सी बातें? और हमने किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया, हमारी जमीनों पे 250 के करीब गवर्नमेंट इदारे तो दिल्ली में वक्त की जमीनों पे है। हम तो एक मैसेज देना चाहते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से कि हम हिन्दुस्तान में हम सब मिलकर प्यार मोहब्बत अमन शांति से जीना चाहते हैं। लड़ने से कोई काम नहीं चलेगा, इतनी बड़ी आबादी है, एक दूसरे के कारोबार जुड़े हुए, स्कूलों में हमारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, वर्क प्लेसेस पे हम जाते हैं, जुडिशरी में, पुलिस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में, हम सब साथ मिलकर काम करते हैं। ये लड़ने झगड़ने से कोई काम चलेगा? आए दिन भागवत जी ने भी कहा, मोहन भागवत जी ने 2022 में, कि हर मस्जिद के नीचे तुम शिवलिंग ढूंढ रहे हो। हद तो ये हो गई मक्के मौजमा के नीचे कहना है कि शिवलिंग है। अरे भाई ये कोई चीजें हैं यार, ये कोई बातें हैं। अब हम चाहते हैं देश में सांप्रदायिक सौहार्द, और हम A10 के अंदर इसकी पार्टी बनेंगे और हम इसमें अपियर होंगे, लॉर्ड से बात करेंगे। आप लोग आए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। हम चाहते हैं हम मीडिया एक पॉजिटिव कवरेज करे देश हित में, इन द इंटरेस्ट ऑफ आवर नेशन। संभल वाला जो अभी डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, किसी को किस तरीके से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट का संबंध में क्या डिसीजन आया? क्या जी आया है, अभी निचली अदालत को रोक लगा दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम इसको वेलकम करते हैं, इट्स अ वेलकम स्टेप। ठीक है, पूरी बात बता दी एक बार, अरे पूरा हो जाएगा। हाँ, एक सेकंड। बड़े बड़े नेताओं के बयान लगातार आ रहे हैं, जबकि कोई सर्वे की अभी कोई बात सामने नहीं आई है, और 20 तारीख में भी समय है, तो बयानबाजी करना जल्दबाजी है हर किसी का। ये देखिए पोलराइजेशन है, इनके पास कोई मुद्दा तो नहीं है, रोजगार ये दे नहीं पा रहे हैं, महंगाई ये कम कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ पोलराइजेशन पे इलेक्शन जीत रहे हैं। भाई हमारे बच्चे पढ़ लिख कर कितने बेरोजगार घूम रहे हैं, आज एक बच्चे को पढ़ाना, उसकी ट्यूशन फीस प्राइवेट, उसमें लाखों रुपए का खर्चा आता है, अरमान है। ये बात हम बॉटम ऑफ आवर हार्ट बोल रहे हैं, आप सब पढ़ो लिखो पढ़ाओ। मैं मुसलमानों से भी एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए, आपको अपने बच्चों को तालीम देना पड़ेगी, समाज हमें शिक्षित सभ्य समाज चाहिए। सर सब एक आखिरी सवाल है कि जिस तरीके से अभी पिटीशन आ रहे हैं, उसके बाद आपने बोला भी है कि पिटीशन एंटरटेनमेंट नहीं होने चाहिए, अभी दरगाह की बात हो रही है, फिर ढाई दिन की झोपड़ी की बात हो रही है, तो क्या किस तरीके से इस सब चीजों पे रोक लगना चाहिए? प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसका यही एक सोल्यूशन है, अदरवाइज पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, वी हैव टू लॉक द पेंडोरा बॉक्स अगेन। दैट्स ऑल, थैंक्स अ लॉट।